230 से भी ज्यादा के चैनल आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं और आपको किसी भी टाइप का रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। और इन चैनल को आप यहाँ पे पूरे 2 साल तक के लिए देख सकते हैं जिसमें आपको 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब आखिर में ये जो प्रोसेस है ये किस तरीके से होगी, आपको क्या करना होगा फ्री में चैनल देखने के लिए, आज के स्टूडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर यहाँ पे देखिएगा अगर आप भी यहाँ पे फ्री में चैनल देखना चाहते हैं बिना किसी रिचार्ज करवाए। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, शुरुआत करते हैं। फ्री के चैनल देखने के लिए हमको एक यहाँ पे सेटअप बॉक्स की जरूरत होगी जो कि डिश टीवी का सेटअप बॉक्स है जिसका नाम है डिक्स नेक्स्ट। बेसिकली ये जो डिश टीवी का मेरे पास यहाँ पे सेटअप बॉक्स है ये एक नया एडिशन के साथ आया है और इस एडिशन का नाम है जिंक प्लस। और इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ इस डिश टीवी से रिलेटेड, जैसे कि इसकी प्राइस, इसमें चैनल लिस्ट, इसकी यहाँ पे क्या कंडीशन है फ्री के चैनल को देखने के लिए, क्या ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं, या फिर किस तरीके से इस बॉक्स को यहाँ पे खरीदना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अब हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि आखिर इस सेटअप बॉक्स को खरीदना कैसे है, हाउ टू बाय दिस सेटअप बॉक्स। ये जो सेटअप बॉक्स है इसको आपको यहाँ पे लोकल मार्केट से खरीदना होगा। इसकी जो यहाँ पे प्राइस है वो 900 रुपये से लेकर 1100 रुपये है, सिर्फ और सिर्फ इस सेटअप बॉक्स की प्राइस। मैं यहाँ पे ओवरऑल इसकी इंस्टॉलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टॉलेशन में इसका डिक्स एंटीना, केबल और जो यहाँ पे एलएनबी होती है वो सारे इंक्लूड होते हैं, उन सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इस अकेले की जो प्राइस है वो 900 से 1100 रुपये आपको पे करनी पड़ सकती है लोकल मार्केट में। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में रिसीवर हमारे पास कैसे आने वाला है, किन किन कंपोनेंट्स के साथ ही आने वाला है। अगर मैं फ्रंट साइड की बात करूँ तो डिश नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है, जिंक प्लस का यहाँ पे एडिशन है। बैक साइड में कुछ ज्यादा स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेड इन वियतनाम, वियतनाम से ये असेंबल होकर आया है। यहाँ पे इसके हेल्पलाइन नंबर दी गई है जिससे कि आप और भी इन्फॉर्मेशन इस बॉक्स के बारे में ले सकते हैं। अब इसको बॉक्स में हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में सेटअप बॉक्स हमारे पास कैसे आने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे केबल देखने के लिए मिलेगी वायर अरेंजमेंट के लिए, एक यहाँ पे 3RC केबल देखने के लिए मिलेगी जो कि आपके टीवी में कनेक्ट होगी, एक रिमोट देखने के लिए मिलेगा जिसकी ओवरऑल क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, यहाँ पे आपको LNB कनेक्टर देखने के लिए मिलेंगे जिनकी क्वालिटी भी ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छी है, यहाँ पे आपको एक एडॉप्टर देखने के लिए मिलेगा जिस पर डिश टीवी की ब्रांडिंग है, यहाँ पे आपको डबल ए के सेल देखने के लिए मिलेंगे जो कि 1 साल तक की सर्विस आपको आराम से दे देंगे आपके रिमोट कंट्रोल में। कुछ इस टाइप से बॉक्स आपके पास यहाँ पे आने वाला है और एक यूजर मैनुअल जिसमें बताया गया है कि इसको इंस्टॉल किस तरीके से यहाँ पे करना है। अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट और स्लिम डिज़ाइन के साथ आता है जो कि आपके सेटअप को एक ग्रेट लुक यहाँ पे देगा। इसके अंदर जो प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ किया गया है उसकी क्वालिटी भी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फ्रंट साइड में आपको एक इंडिकेटर लाइट देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बैक साइड की बात करूं तो एक LNB का आपको यहाँ पे कनेक्टर पोर्ट देखने के लिए मिलेगा, AV आउट का पोर्ट है, 12 वोल्ट का जो एडाप्टर है उसका पोर्ट है और एक रीसेट करने के लिए एक बटन दिया गया है। अगर मैं बॉटम साइड की बात करूं तो यहाँ पे कुछ QR कोड मेंशन है जिससे आप उसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। अगर मैं साइड की बात करूं तो एक यहाँ पे USB का पोर्ट हमको दिया गया है जिससे आप अपने मोबाइल को भी यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं या फिर किसी भी टाइप के USB से रिलेटेड प्रोडक्ट को या फिर डिवाइस को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस बॉक्स की मदद से। अगर मैं रिमोट की बात करूँ तो रिमोट की क्वालिटी ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, हैंड फील इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको सारे यहाँ पे बटन देखने के लिए मिलेंगे जिससे कि आप इसको आसानी से यहाँ पे नेविगेट और कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको AV आउट की केबल इसके अंदर पुट करनी है और जो 3RC है वो आपको अपनी LED के अंदर या फिर किसी भी टाइप की ओल्ड LED में पुट करनी है और डायरेक्टली ये यहाँ पे ऑन हो जाएगा। जिस भी लोकल डीलर से या फिर लोकल मार्केट से आपने इसको यहाँ पे बाय करा होगा उससे आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस पैक को यहाँ पे या फिर इस सेटअप बॉक्स को आप यहाँ पे एक्टिव करवा दीजिए। एक्टिवेशन होने के बाद ये डायरेक्टली यहाँ पे रन हो जाएगा और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको अपनी LED या फिर TV के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो इसके अंदर 230 से भी ज़्यादा चैनल हमको देखने के लिए मिलते हैं वो चैनल एक्चुअली में कैसे है और कौन कौन से चैनल हमको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमको कौन कौन से चैनल देखने के लिए मिलेंगे, वो भी 2 साल के लिए बिल्कुल फ्री में। ऑलराइट, अब इसके अंदर एक कंडीशन है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जिससे ही आप यहाँ पे बेटर आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको बाय करना चाहिए या नहीं। इसकी जो प्राइस है मैंने आपको बता दी, इसकी जो प्राइस है 900 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक लोकल मार्केट में है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस लोकल मार्केट या फिर किस शॉपकीपर से यहाँ पे बाय करते हैं। इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पे 2 साल तक के लिए फ्री के जो चैनल होते हैं जो कि गवर्नमेंट हमको यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है उनको तो आप देख ही सकते हैं, प्लस
आप यहाँ पे जो भी पेड चैनल होते हैं उनको भी यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपके जो भी फेवरेट चैनल है उनको भी आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। और पर्टिकुलर सी उसी का आपको यहाँ पे चार्ज देना है। मान के चलिए आपको यहाँ पे स्टार प्लस देखना है, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए, तो आप एक महीने के लिए इसके अंदर उस चैनल को एक्टिव करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे कुछ ही छोटी सी यहाँ पे प्राइस देनी पड़ेगी, यानी कि 20 से 30 रुपये आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, जिसमें आपको जो चैनल है वो एक महीने के लिए यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। आप सिंगल चैनल भी यहाँ पे चालू करवा सकते हैं जो कि एक पेड चैनल होते हैं, या फिर मल्टीपल चैनल भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो 2 साल तक के लिए इसके अंदर फ्री चैनल चलेंगे उसकी लिस्ट तो मैंने आपको बता ही दी थी। एक सबसे बड़ी खूबी जो इस बॉक्स में मेरे को ये लगी कि ये मोर देन बेस्ट है कंपेयर देन वो पुराने बॉक्स जो हमको लोकल मार्केट में अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे DTH बॉक्स खरीदते हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पे फ्री चैनल मिलते हैं और उनकी जो प्राइस रहती है वो भी 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक होती है, पर उसमें आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती जिसमें आप अपने फेवरेट चैनल को ऐड करवा सकते हैं, मगर इस डिश टीवी के जिंक एडिशन में आपको ये फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है और ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। और यही डिश टीवी का पहला इंडिया का बॉक्स है जिसमें आपको ये फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है अभी तक। एक छोटी सी कंडीशन इसमें और है, अगर आप यहाँ पे किसी भी टाइप के पेड चैनल को एक्टिव करवाते हैं या फिर प्रीमियम चैनल को यहाँ पे देखना चाहते हैं, वैसे पेड चैनल और प्रीमियम चैनल एक ही होते हैं, तो उसके साथ साथ यहाँ पे आपको GST भी पे करनी पड़ेगी और GST की जो प्राइस वो डिपेंड करती है प्राइस टू प्राइस। तो एक ये छोटी सी कंडीशन थी प्राइस को लेकर, आई होप आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं कि ये डिवाइस आपको खरीदना चाहिए या नहीं। अगर मैं आपकी जगह होता 100% इसको बाय कर लेता, क्योंकि ये फैसिलिटी अभी तक हमको किसी भी सेटअप बॉक्स में देखने के लिए नहीं मिलती वीडियोकॉन को छोड़ के। वीडियोकॉन में भी हाल फिलहाल ये जो सर्विस है जिंक प्लस एडिशन की वो यहाँ पे ऑन हुई है। बाकी सबसे पहले डिश टीवी ही ये जिंक प्लस एडिशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेकर आया था, तो आप इसको यहाँ पे बेझिझक बाय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फ्री में चैनल देखना चाहते हैं गवर्नमेंट वाले, तो आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है और आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम चैनल भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पॉइंट है आप सभी के लिए। आई होप आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।